साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों एक बहुत ही प्यारी बात सुनाने वाला हूं आपको और उम्मीद करूंगा कि आपके फोन बुक के अंदर जितने भी बड़े पुलिस अधिकारी है, जितने भी समाज सेवी लोग है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, किन्हीं नेताओं के नंबर है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। खास किस लिए है, आज आप देख रहे होंगे बड़ी अच्छी मुद्रा में बात कर रहा हूं मैं। खास इसलिए है क्योंकि उदयपुर के अंदर एक थानेदार फ्रॉड मामला हुआ था। अब उस थानेदार फ्रॉड में क्या हुआ था, वो केवल उदयपुर में नहीं हुआ था, राजस्थान के कई जिलों के युवाओं के साथ हुआ। वहां क्या होता है, यहां पे दो चीजें हैं। एक थानेदार भर्ती फ्रॉड मामला वो है जिसमें एसओजी ने कार्रवाई की और अच्छे अच्छे थानेदारों को जेल की हवा खिला दी, और एक उदयपुर की थानेदार भर्ती फ्रॉड का मामला है जहां पर उदयपुर नहीं और भी जिले हैं, जहां पर एक एडिशनल एसपी साहब की वाइफ जो कि कोचिंग के संचालक है, उनके ससुर जी जो संचालिका है, उनके ससुर जी जो कि रिटायर्ड डीवाईएसपी है, ये एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और उस कोचिंग सेंटर के अंदर युवाओं को ब्रोशर देते हैं। और ब्रोशर कैसे होते हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मार्गदर्शन लिखा जाता है और कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के उसमें इंटरव्यू छुपे होते हैं, और लुभावने वादे तो इतने कि 100% हम आपको थानेदार बना देंगे, और यदि हम थानेदार नहीं बना पाए ना तो आपको आपका पूरा पैसा वापस, यानी कि आप हमारे पास आइए, कोचिंग पढ़िए, हम जो फीस मांगते हैं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितना मांगते हैं आप हमें दीजिए, हम आपका 100% ज्वाइनिंग करवा देंगे, 100% सिलेक्शन की गारंटी। अब एक रिटायर्ड डीवाईएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब की वाइफ कोचिंग संचालक, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मार्गदर्शन और उसके साथ कई आईपीएस अधिकारियों के ब्रोशर, और उस पे गारंटी क्या, 100% ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग नहीं हुई तो पैसा रिफंड। तो कौन बेवकूफ होगा जो इस मामले का लाभ नहीं उठाना चाहेगा, और राजस्थान के कई युवाओं ने इसका लाभ उठाने के लिए वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। अब जनाब सबका तो सिलेक्शन होता नहीं है, तो ये एग्रीमेंट भी करते हैं कि यदि आप हमारे नियमों के अनुसार चले, आपने पूरी क्लासेस ज्वाइन की, आपने ओएमआर शीट की कॉपीज भी हमको लाके दी, आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका पेमेंट रिफंड। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए की व्यवस्था करना मुश्किल होता है, वो क्या करते हैं, कई ब्याज से पैसा ले आते हैं, सोचते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर पैसा रिटर्न मिल रहा है, हम वापस दे देंगे, यानी कि हम थानेदार बन गए तो दिक्कत ही कहां है, पैसा लौटा देंगे, थानेदार नहीं बन पाए तो वैसे भी कोचिंग वाले जब इतने बड़े लोग हैं वो कह रहे पैसा वापस दे देंगे तो दैट्स गुड। लेकिन उन युवाओं को क्या मालूम कि वो एक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। आंखों में तेल डालकर पढ़ने वाले ये बच्चे शारीरिक दक्षता का एग्जाम भी देते हैं और एसआई का एग्जाम भी देते हैं, पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या, जो बच्चे भर्ती नहीं हो पाते हैं वह इनसे वापस जाते हैं कि आपने हमसे एग्रीमेंट किया था पैसा लौटा दो। अब मिन्नतें कर करके थक गए, उनकी दहलीज पे जाके मिन्नतें कर करके थक गए, वो पैसा देते नहीं है, जाओ क्या करना है कर लो। अब वह बच्चा जो नौकरी की तलाश में है, सामने कौन है, पुलिस अधिकारी, उच्च पुलिस अधिकारी के परिजन, खुद रिटायर्ड डीवाईएसपी साहब, क्या कार्रवाई करे भाई, नहीं करते। तो कई बच्चों ने अपने हक की लड़ाई को छोड़ दिया और सोचा कि कोई घाटा आया, कोई बुरा सपना था, ये पैसा हमारा डूब चुका। कुछ लोग जागते हैं, लड़ते हैं इंसाफ के लिए, और ऐसे ही मामले में उदयपुर के युवाओं ने एक एफआईआर दर्ज कराई हिरणमंगरी पुलिस थाने में।
आश्चर्य करेंगे आप, 1/9/2022 को FIR दर्ज हुई और उस FIR की जांच हेड कांस्टेबल साहब को दी। अब हेड कांस्टेबल साहब कैसे एडिशनल SP साहब के परिवारजन पर कार्रवाई करे, क्योंकि उनको भी तो नौकरी प्यारी है, उनको भी तो रहना है डिपार्टमेंट में। साल भर निकल गया, 15 महीने बीत गए, 18 महीने बीत गए, पर कार्रवाई के नाम पे जीरो। और हमेशा बच्चों को विश्वास दिलाते रहे कि आप निश्चिंत रहो, मैं आपको आपका डूबा पैसा दिला दूंगा। बच्चे विश्वास करके बैठे रहे और आखिर एक समय सब्र का बांध टूटा और कोर्ट में प्रस्तुत की फ्रैक्चुअल रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन। तो फ्रैक्चुअल रिपोर्ट में आता है कि 15 महीने के अंदर IO ने केवल 41A की नोटिस जारी किए और फिर कहते हैं कि अग्रिम अनुसंधान बाकी है। अब ठीक है भाई, उसके बाद ये मालूम पड़ता है कि जब ट्विटर पे जानकारी ली गई कि भाई इस प्रकरण में क्या चल रहा है, तो इसमें तो सिविल नेचर में FIR दी गई, न्यायालय में पेश होना बाकी है। मामले से SP साहब गोयल साहब को अवगत कराया गया। गोयल साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच दे दी CO ईस्ट यानी कि डिप्टी साहब को, हिरणमंगरी थाने के जो डिप्टी साहब है, अब वो कार्रवाई करेंगे। अब सोचते क्या है कि डिप्टी साहब बड़े अधिकारी हैं, इंसाफ के लिए बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे, कानून सम्मत काम करेंगे, लेकिन ये क्या, कोर्ट में जब फैक्चुअल रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा जाता है कि बच्चों को जो परिवादी है उनके साथ 138 की समझाइश की गई। वाह रे वाह पुलिस व्यवस्था। अरे भाई, आपको मामला बंद करना बंद कर दो, फाइल बंद करनी है बंद कर दो, लेकिन अपने पुलिस के उच्चाधिकारियों के परिवारजन को बचाने के लिए आपको 138 की समझाइश करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, सामने वाले ने थानेदार बनाने के नाम पे पैसा लिया, सामने वाले ने फ्रॉड किया है, एग्रीमेंट बनाए हैं और आप उसको सिविल नेचर बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पुलिस अधिकारी के परिवारजन है। अगर यही व्यक्ति, कोई छोटा मोटा रोड चलता व्यक्ति कोई छोटा मोटा अपराध कर दे तो उसको पट्टे पड़ जाते हैं, उसको हवालात में बंद रहना पड़ता है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर 20 महीने के अंदर पुलिस ने इतना भी अनुसंधान नहीं किया। क्या पुलिस को नहीं चाहिए था कि उस कोचिंग सेंटर के संस्थान कहां कहां है और कितने बच्चों को SI के लिए उन्होंने एग्जाम दिलवाए, कितने लोगों के साथ उन्होंने ये फ्रॉड किया है? भाई, जोधपुर में कोचिंग सेंटर है, उदयपुर में कोचिंग सेंटर और कहां कहां कोचिंग सेंटर है, और उनके रजिस्टर तलब किए जाए, उनके रजिस्टर का डाटा देखा जाए कि कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो ये मामला SOG से भी बढ़ के हो सकता है कि वहां तो कुछ थानेदार साहब पकड़े गए, या तो मेन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन यहां पर जब पुलिस के उच्चाधिकारियों के परिजन ही इस प्रकार का कर रहे हैं तो फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो न्याय व्यवस्था से भरोसा कैसे बैठेगा, न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे बैठेगा? 420-406 की FIR में एडिशनल SP साहब की वाइफ और उनके पिताजी यानी कि रिटायर्ड DY SP साहब न तो हाईकोर्ट गए, न उन्होंने अग्रिम बेल लगाई, अग्रिम जमानत लगाई क्या, और न उनको कोई चिंता है क्या? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें अपने डिपार्टमेंट पर, अपने पुलिस विभाग पर पूरा भरोसा है कि उनके साथ गलत नहीं होगा, चाहे बच्चों के साथ हो चल जाए। हम तो FIR पेश करेंगे सिविल नेचर के अंदर, इनको प्रोटेस्ट करना है करते रहेंगे। अरे साहब, क्यों पुलिस व्यवस्था, हमारी उदयपुर की पुलिसिंग इतनी अच्छी है, जब राज्य के विरुद्ध कोई अपराध होता है ना, सर्वश्रेष्ठ काम करती है और हमें उसके लिए तहे दिल से हम सम्मान करते हैं उदयपुर पुलिस व्यवस्था का। लेकिन क्यों कुछ पुलिस अधिकारी अपने पद की मर्यादाओं को भूल जाते हैं, क्यों ईमानदारी से काम नहीं करते हैं? अगर वो काम नहीं कर सकते और उनके समर्थ नहीं है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो अपने उच्चाधिकारियों को फाइल सौंप दे और कह दीजिए कि हम इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, मामला थमने वाला तो नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरी बात,
इस बात का भी दुख होता है कि कौन सा परिवादियों को आपने बुला लिया, कौन से 138 की समझाइश आपने कर ली, क्यों 138 की कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, क्या न्याय व्यवस्था मर गई है, क्या 420 406 के अंदर कोई अपराध नहीं बनता है। मैं उदयपुर की जनता से पूछता हूं कि कोई पुलिस के उच्चाधिकारी परिजन किसी को कहते हैं कि 100% गारंटी थानेदार बनाएंगे, पैसे लेते हैं, एग्रीमेंट लिखते हैं और उसके बाद पैसा नहीं लौटाते हैं, तो ये धोखाधड़ी है या नहीं है, क्या ये एक सिविल नेचर अपराध है? शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो इस तरीके का काम करते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों को वर्दी घर पे उतार देनी चाहिए जिनको इस मामले के अंदर भी सिविल नेचर। साथियों बुरा तो लगेगा, लैंग्वेज कड़वी है, लेकिन खुले रूप से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि सच्चाई की आवाज है। अरे कौन सा ऐसा पुलिस अधिकारी होगा जिसको ये बात सिविल नेचर लगे कि कोई पुलिस के आला अधिकारी के परिवारजन जो कि रिटायर्ड डीवाईएसपी भी है, वो बच्चों से एग्रीमेंट करते हैं कि हम तुमको पैसा रिटर्न करेंगे, तुम थानेदार बन जाओगे, और पैसा लौटाते नहीं है, और वहां पर बच्चे एफआईआर करते हैं, तो मामला सिविल नेचर है। उदयपुर की जनता बताए कि क्या ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो इंसाफ की राह पर नहीं है, जो अपने वर्दी के साथ ईमानदारी से काम नहीं करते। मैं उदयपुर की जनता से कहना चाहता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मामला तो ये एसओजी तक भी जाएगा, पीएमओ भी जाएगा, सीएमओ भी जाएगा, लड़ना तो पड़ेगा हक की आवाज के लिए। हमारी आवाज बुलंद होगी, बोलना तो पड़ेगा क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। लेकिन उदयपुर की जनता से सिर्फ और सिर्फ समर्थन चाहते हैं कि आपका क्या कहना है जरूर कहें, वीडियो शेयर करें, धन्यवाद। बाकी मामला तो बच्चों के इंसाफ के लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़ा जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।